आप देख रहे हैं राजपथ 24 न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पे क्रिसमस को लेकर दुल्हन की तरह सजाए जाएंगे गिरजाघर। दिसंबर को देश भर में क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा जिसको लेकर इंदौर के सभी शहर को रोशनी से सजावट की जा रही है। साथ ही साथ गिरजाघरों में गौशाला सहित गायन मंडली तैयार की गई है और पूजा अर्चना की जाएगी, जिसकी जानकारी शुक्रवार को चर्च के बिशप चाको टी जी ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया। दौरान उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को इंदौर के सभी गिरजाघर खुले रहेंगे जिसमें अन्य धर्म के सभी लोग भी आ सकते हैं। इंदौर रेड चर्च के कैथोलिक धर्म प्रांत चाको टी जी ने बताया कि कोरोना के 2 वर्ष बाद क्रिसमस पर्व को धूमधाम से नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस बार क्रिश्चियन समुदाय ने क्रिश्चियन को लेकर अति उत्साह देखा जा रहा है। आम लोगों के लिए भी गिरजाघर खुले रहेंगे। इस दौरान उन्होंने संता क्लॉज को लेकर कहा कि संता क्लॉज प्रभु यीशु मसीह के भक्त थे और गरीबों के प्रति उनकी सेवा थी, इसलिए उन्हें सभी मानते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि संता क्लॉज क्रिसमस का हीरो बने, क्योंकि क्रिसमस का हीरो प्रभु यीशु ही है। वही 25 दिसंबर को इंदौर के सभी गिरजा घरों में भक्तों की भीड़ ज़्यादा हो रहेगी, जिसको नियंत्रण करने के लिए सभी गिरजाघरों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। देखिए इंदौर से वाजिद अली कुरैशी की ये रिपोर्ट। हाँ भैया, हाँ तो यहीं आ जाना सीधे। मुझे आप सब से एक मदद और चाहिए थी। ये मेरे पास ना, मेरे हिसाब से मैंने ये नाम लिखा है, तो आपकी संस्था में किसी और का नाम छूट रहा हूँ तो मेरे को बताइए। तो हम अच्छा कवरेज आप ये करते थे, इसके लिए हम तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कवरेज ऑल आप इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द चर्च। काफी संख्या में पधारे हैं, हमारी खुशी है। क्रिसमस का मतलब ही ये है, एक दूसरे के साथ खुशी बांटना। और मेरे ख्याल से आप लोग इतने काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, ये दर्शाता है कि आप लोग क्रिसमस को इतना महत्व दे रहे हैं और समाज को ऐसे आप लोग एक्सेप्ट करते हैं। को एक पर्व आ रहा है, शहर के जितने भी चर्च हैं वहाँ पर किस तरह के डेकोरेशन है, क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाले हैं? सभी चर्च सभी रोशनियों से सजावट की गई है, वहाँ पर गौशाला बने गए हैं, वहाँ पर गायन के लिए गायन मंडली तैयार हो गए हैं और पूजा अर्चना होगी और उसके साथ सबके साथ मिलन होगा और पूरा 25 दिसंबर को सभी गिरजाघर खुले रहेंगे। और पिछले 2 वर्ष हम ये कर नहीं पाए थे कोरोना के कारण, इस साल खुला रहेंगे आपके लिए, सबके लिए, जनता के लिए, हमारे इस शहर के सभी शहरवासियों के लिए सबका स्वागत है। आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं और सबको बधाइयां अभिनंदन। आप आइए 25 तारीख को।
सांता क्लॉज के बारे में आप पूछा। सांता क्लॉज एक प्रभु यीशु के भक्त था और गरीबों के प्रति बहुत ही उनकी सेवा थी और इसीलिए उनको सब मानते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सांता क्लॉज क्रिसमस का हीरो बने। क्रिसमस का हीरो यीशु क्रिस्त ही है और उनको सामने रखना है, सांता क्लॉज उनके पीछे रखना। तो सांता क्लॉज एक भक्त था लेकिन सांता क्लॉज का जन्मदिन नहीं है, जन्मदिन प्रभु यीशु क्रिस्त का है, तो उनको सामने रखना है और सांता क्लॉज उनके आसपास रहेंगे। हाँ, पास का सिस्टम इसीलिए रखा है क्योंकि गिरजाघर में जगह की कमी रहती है, सीमा रहती है। भक्तजन जो आते हैं उनके लिए अगर जगह नहीं मिले तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने सोचा हमारे समाज के लोगों को पहले प्राथमिकता दे और पूरे दिन 25 तारीख को सबको आने की छूट है, सब आ सकते हैं। लेकिन 24 रात को सिर्फ उनको ही जो पास है, ताकि वहाँ पर भीड़ भाड़ और नियंत्रण करने में की समस्या ना हो।